हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड बनाई जा रही है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त का कमेंट आ रहा था, सर आरआरबी जेई सीबीटी 2 की आंसर की कब आ रही है। तो सबसे पहले मैं उन अपने दोस्तों को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 को दिए हुए हैं और उन आंसर की क्या बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्त, मैंने बहुत सारा चैनल ऑब्जर्व किया और मैं आपको बता दूं कि पिछला जो आरआरबी एएलपी आया था और आरआरबी ग्रुप डी जो आया था और आरआरबी जेई सीबीटी 1 की आंसर की कब आती है, उसके बेसिस पे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया तो उसमें सबसे पहले मैंने यही पाया कि आरआरबी जो मतलब जो उसका रीशेड्यूल एग्ज़ाम होता है उसको ख़त्म करने के बाद वो 10 दिन तक या 11वां दिन आपको आपको आंसर की प्रोवाइड करा देगी। तो अभी मैं ये एक्सपेक्टेड डेट है कि 29 सितंबर को या 30 या 1 अक्टूबर तक आपका आंसर की अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्त, किस जोन का कट ऑफ क्या जाएगा और कौन सा जोन मॉडरेट है और किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा, उसकी जानकारी के लिए मैंने अपने वीडियो पिछली वीडियो में एक सर हैं जिनका नाम है शत्रुघ्न सर, वो अभी आरआरबी मुंबई में कार्यरत हैं, 2015 में क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उनसे एनालाइज करवाया था। और सर की वीडियो एक और आने वाली है कि किस जोन में या और किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, उसके लिए सर अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आपका आंसर की आपके हाथ में होगा और 24 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो थैंक यू। और दोस्त, जितने भी सारे मेरे पिछले वीडियो देखे और इसको अप्रिशिएट किए और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्त, अगर आपको रियली में ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।